नमस्कार। पत्रिका के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जुबली पार्क का मैदान है और ये वही मैदान है जहां पर वर्ष 1937 में सुभाष चंद्र बोस सहारनपुर आए थे। इसी मैदान में उनका एक जलसा हुआ था और उस समय सुभाष चंद्र बोस को सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग इस मैदान में पहुंचे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत बहुत सख्त थी और उन्होंने हिदायत दी थी कि इस जलसे को कोई भी प्रकाशित नहीं करेगा। लोगों को रोका जा रहा था और ये देखा जा रहा था कि इसको कोई कवरेज तो नहीं कर रहा। उस समय डॉक्टर गिरधर लाल प्रेमी ने सुभाष चंद्र बोस के इस जलसे की कवरेज की थी और नेताजी का जो भाषण था उसे अपने समाचार पत्र में उन्होंने प्रकाशित किया था। जब इस बात का पता अंग्रेजी हुकूमत को चला तो उन्होंने गिरधर लाल प्रेमी की प्रेस को सील कर दिया था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। ये जलसा ऐतिहासिक था और इस जलसे ने लोगों की खून में रवानी भर दी थी। उस समय सुभाष चंद्र बोस को सुनने के बाद सहारनपुर से कई महिलाएं भी भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ी थी और बेलचा पार्टी भी उस समय आंदोलन में आ गई थी। जमीयत उलेमाए हिंद और बेलचा पार्टी, ये दो ऐसी पार्टियां थी जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़ी थी और पूरी तरह से इन्होंने कदम इस आंदोलन में रख दिया था। आज जब हम सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं तो इन ऐतिहासिक क्षणों को भी हमें याद करना चाहिए। और मेरे पीछे की ये तस्वीर है, वो सीधे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब रामलीला होती है। जुबली पार्क मैदान है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और शहर के बीचों बीच घंटाघर के पास ये जुबली पार्क है। अब यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है और आसपास के जो बाजार हैं उनमें जो लोग आते हैं अपने वाहन यहाँ खड़े करते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर जो स्कूटर हैं, यहाँ बाइक हैं और जो कारें हैं वो यहाँ पर पार्क की गई। उसी जुबली पार्क की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एहरार पार्टी के महमूद अली खान ने यहाँ पर 1937 में एक जलसा किया था। उस जलसे के मुख्य वक्ता आज़ाद हिंद फौज के नायक सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने जो भाषण दिया था उस भाषण को सुनने के बाद हजारों की संख्या में लोग भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े थे। आज इस मैदान में पार्किंग बनी हुई है, नगर निगम ने यहाँ पर पार्किंग दी है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सहारनपुर के बाज़ारों में लोग घूमने आते हैं वो अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं।